जबलपुर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भारत देश में शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य में फ्रंट लाइन वर्करों में मीडिया कर्मियों का नाम शामिल न होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मीडिया कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्करों में शामिल करने की मांग करते हुए अगले चरण में शीघ्र ही कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने की मांग की है। इस संबंध में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के संभागीय अध्यक्ष दिनेश प्रीत, जिलाध्यक्ष आशीष विश्वकर्मा, मंगलेश्वर गजबिये, ऋषि सराफ, वीरेंद्र शर्मा, कदीर खान आदि ने बताया कि कोरोना संकट काल के दौरान वैश्विक महामारी के बीच में अपनी जान की परवाह किए बिना चिकित्सा सेवा से जुड़े तमाम वर्ग जैसे डॉक्टर, नर्स, स्टाफ सहित सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, पुलिस कर्मी सहित अन्य की तरह मीडिया कर्मियों के द्वारा फ्रंटलाइन में आगे आकर काम किया गया है। मीडिया कर्मियों के द्वारा कोरोना संकट के बीच में जब पूरा देश लॉकडाउन के चलते घरों में कैद था, तब विपरीत परिस्थितियों में मैदान में आकर देश व समाज हित में आगे आकर तमाम मीडिया कर्मियों के द्वारा आम जनमानस को कोरोना से बचने के लिए जागरूक करने का काम समाचारों का प्रकाशन करके किया जाता था। तब ऐसी स्थिति में समाचारों का प्रकाशन करके किया गया है तब ऐसी स्थिति में फ्रंट लाइन वर्कर में मीडिया कर्मियों का नाम वैक्सीन के टीकाकरण में शामिल नहीं किया गया है, जिसको लेकर मीडिया संस्थानों से जुड़े तमाम मीडिया कर्मियों को भी फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल कर उन्हें अगले चरण में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण करने का कार्य करने की मांग मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने की है। आज हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने ये मांग की है कि जो अभी कोरोना काल चल रहा था उसमें हमारा मीडिया वर्क भी फ्रंट लाइन में काम कर रहा था, तो इनको मतलब बिल्कुल किनारा कर दिया गया है। जो अभी कोविड-19 के जो टीके वगैरह लग रहे हैं, कोविड वैक्सीन हुआ, कोशील्ड वगैरह, तो इसमें हम लोगों को भी प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हम लोगों ने भी इतना काम किया है। मीडिया फ्रंट लाइन में लाके काम कर रहा था, इतना हुआ, लोगों को जागरूक कर रहा था, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने हम लोग की अनदेखी की है। तो हम लोग चाहते हैं कि मीडिया को भी इसमें लग कर टीके लगाए जाएं, ताकि वो भी मतलब इसका लाभ उठा सके। मंगलेश्वर इनका ले लो भाई साहब। कोरोना की वैक्सीन के संबंध में आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। कोरोना कार्यकाल में फ्रंट लाइन में मीडिया ने कवरेज करके लोगों को जागरूक किया कोरोना से बचाव के लिए, और वैक्सीन में उनका फ्रंट लाइन में नाम नहीं आया, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हर्षवर्धन सिंह जी जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, एवं शिवराज जी चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनको उनके नाम से ज्ञापन सौंपने कलेक्टर महोदय के द्वारा भेजा जा रहा। अभी कुछ कहना है तो इस तरह से इस पर रिप्लाई किया है कि अभी उन्होंने इस प्रकार से कुछ रिप्लाई नहीं किया, मगर जो अभी द्वितीय चरण में जो है तो मीडिया को फ्रंट लाइन में लिया जाएगा, ऐसी आशा है, क्योंकि सभी प्रांतों से नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन जा रहा है, तो जिसके कारण मीडिया या उनके परिवारों को प्रथम लाइन में लिया जाएगा। दिनेश प्रीत।